मैडम नमस्ते। नमस्ते मैडम, आप कहाँ से आए अभी? भिवानी से आए सर। भिवानी से जी। जो आपका थोड़ा परिचित बोल सकते हो हमको, जैसे मान लो फौज से क्या ताल्लुकात है? फौजी से ताल्लुकात, फौजी की बीबी होने के नाते यहाँ पे हमारा दुर्भाग्य है, हमने जंतर मंतर पर धरना दर स्तर पाना पड़ रहा बार बार। और जो भी हमारे सैनिक भाई बैठे हैं उनकी सुनाई नहीं हो रही, ये मुर्दा सरकार है, मुर्दा सरकार की सो रही है, तो इसका आँख खोलने का काम करने के लिए आए हैं। 25 तारीख को हम मैसेज देंगे हर गांव में, हर शहर में, हर स्टेट में। मैडम बात ऐसे है, हम जो निचले वर्ग का जो जैसे जवान जो है, हम लोग रिटायरमेंट होकर आने के बाद हमारा एक समस्या है, आप भी जानते हैं, जो भी सबसे ज्यादा लेडीज इसको मतलब झेलता है, क्योंकि हम कम उम्र में आ गया तो हमारा जो पेमेंट जो मिलता है हमको, जो पैसा मिलता है जी, वो कम हो जाता है, मतलब आधा हो जाता है जी। उस टाइम पर हमारा घर पे काम भी ज्यादा है, जो बच्चे को पालना, स्कूल भेजना, सब कुछ है। ऐसी स्थिति में हम आके मान लो आने के बाद, मान लो दुर्भाग्य यही है हमको कोई नौकरी नहीं मिलेंगे, हम नौकरी के पीछे भागते रहेंगे, उसमें भी पैसा खर्च करेंगे हमारा, उसके बाद नौकरी भी हमको अच्छे नहीं मिलेंगे, तो कोई ना कोई सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी मिलेंगे, उसके अंदर वो भी कॉन्ट्रैक्ट में होंगे, हमारा अधिकारी कॉन्ट्रैक्टर है, वो आधा पैसा वो खाएंगे और मुंह खोल दिया तो वो नौकरी भी नहीं रहेंगे जी। तो ऐसे में कभी भी जो फौजी, जो जेसीओ जवान जो भी है, वो टेंशन में रहता है जी। वो जल्दी बीमार भी हो जाएंगे और घर पे वो हमेशा हंसते हुए दिखाई देंगे, मतलब वो उनका चेहरा हंसते हुए दिखाई देगा, लेकिन वो अंदर ही अंदर उनका कुछ समस्याएं हैं जी। लेकिन हमारा एक अधिकारी वर्ग है, वो लोग 60 का उम्र में पेंशन आ जाता है, उसके बाद वो ये कभी नहीं सोचता है उनकी जिम्मेदारी, वो हमेशा सरकार के सामने बात करते हो, अपना फाइल आगे रखेंगे, हम स्ट्रेंथ कम है, उनको हिसाब से भी ऊपर वो ले लेंगे, लेकिन हमें हिसाब से जो मिलना है वो हमको नहीं दिलाएंगे। ऐसी स्थिति में 75 साल से ये हो रहा है जी। ऐसी स्थिति में आज हमको, क्योंकि हमारा संगठन भी बहुत बना हुआ है, हमारा ही लोग उसमें रहता है, लेकिन ये गुमराह करता है, जिसे मैं बता रहा हूँ, कोई भी संगठन हो उसका एग्जीक्यूटिव कमेटी के बारे में बता रहा हूँ, वो ही गुमराह करता है, जो कि उनको, जो किसी संगठन बना है 5,000 नफरी है उसके अंदर, उसी को चलाने के लिए अगर 25 आदमी की एक कमेटी बना हुआ है, वो 25 आदमी क्या करेंगे, उनका पूरा सुविधा लेके बैठ जाएंगे, अफसरों के साथ में बैठ के बात करेंगे, वो यहाँ पर आके हमारा मेंबरशिप से ही वो बात करने के लिए जा रहा है, उनका आने जाने का सुविधा जो कुछ है हमारा पैसा से जी, लेकिन जी। वो एक टाइम पर वो भूल जाते इस चीज का जी, वो कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। ऐसी स्थिति में हमारा सैनिक कल्याण हो या पुनर्वास हो, ये टप हो जाता है जी। जो आवाज उठाना चाहिए, हमने देखा है जंतर मंतर में 9 महीने से, मैंने खुद ही देखा है जी, हर डिपार्टमेंट यहाँ के आंदोलन दे रहा था जी, उसका अधिकारी का जो उनका यूनिटी अलग है, उनका सब कुछ उनका अलग होता है, जो आम जो कर्मचारी है उनका अलग होता है, उनके चुनाव भी होता है, लेकिन हमारा इकट्ठा है, हमारा इकट्ठा होने की वजह से हम लोग गुलाम है, आज भी गुलाम है, आज मतलब हमें यूज कर रहा है, हर जगह पर हमें यूज कर रहा है जी। लेकिन डेथ अगर हो जाता है, मान लो मेरा डेथ हो जाएगा तो मेरा वाइफ को मिलेंगे मेरे से आधा पेंशन, जो कर्जा मैंने बनाकर रखा गया वो उसी में से झेलना है जी। लेकिन अफसर का सीधी ऐसे ही एक तरीका बनाकर रखा है, वो अगर उनका डेथ हो जाता है, उनका जो टेबल में जो उनका जो पेंशन वो ले रहा था उससे ही उनको मिलेगी, कलाकारी से बनाकर रखा है टेबल जी। कलाकारी टेबल बोलता उसको जी, कोई जी, तरीका जी, से नहीं बनाया, ऐसे में बहुत बड़ा विसंगतियां हैं, सारे टेबले हमने हर जगह पर टांग के सरकार को जगाने की कोशिश की, लेकिन जो हमारा जो वीर नारी जितना भी रहता है, फैमिली पेंशन जितना भी रहता है, वो लोग एस्पेंट जाने के बाद और उनको प्रॉब्लम ज्यादा हो जाता है, जिम्मेदारी बढ़ जाता है। इन्होंने जो एक ECHS दिया है वो भी हमारा पैसा सा है, अगर कैंडीन है उसमें भी पैसा देकर सामान लेता है, लेकिन हर उन्होंने उनका सोच यही, हम कैंडीन भी दिया है, हम ECHS दिया है, इससे कोई फायदा नहीं है, हमें क्या चाहिए, हमारा जो वन रैंक वन पेंशन है वो हमारे लिए लागू है, हमें देना चाहिए, हमारा फैमिली पेंशन अफसरों का तादाद के हिसाब से परसेंटेज लगना चाहिए जी, और उनका जो फिटमैन फैक्ट जो उनको दे रहा है सेम हमको मिलना चाहिए, इसी के ऊपर पहले बार हमारा पूर्व सैनिक अधिकारियों ने सेल कर दिया, सरकार का साथ में बैठ के जो समझौता कर दिया जी, जो हमारा एग्जीक्यूटिव कमिटी उसको साथ दिया, इसलिए देश के अंदर जितना भी जो पूर्व सैनिक 28 लाख जो है उनको जागरूक कर लिया हम लोग ने यहाँ बैठ के, जो कि आपका हक ये है, आपका हक अपना तक ना पहुंचने का कारण क्या है ये हमने बता दिया था जी।
तो ऐसे में जो फैमिली पेंशन जितना भी रहता है उनको इनका जानकारी बहुत कम है, इसलिए मैं थोड़ा सा विस्तार से आपको इसलिए बताया था, इसलिए आज हम विसंगति से यहाँ बैठा हुआ है। जो आज आप बैठे हैं कल मेरा परिवार भी इसी जैसा बैठना पड़ेगा, तो उनको भी पता चलना चाहिए जो जो हमारा जो इस जगह पर आंदोलन करने का मकसद क्या है, काम क्या है। लेकिन अगर पैसा नहीं है सरकार के पास, सरकार ना दे हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हमारा नाम लेके किसी एक वर्ग को ज्यादा देना ये उचित नहीं है, यही हमने बताया है। लेकिन अब तो क्या कर रहा है, हम सरकार से हमारा प्रधानमंत्री जी ने बोल रहा है 65,000 करोड़ दे दिया, फिर बोल रहा है 70,000 करोड़ दे दिया, अभी बोल रहा है 90,000 करोड़ दे दिया। तो हमने मना नहीं कर रहा हूँ, नहीं दिया, दिया होगा ना प्रधानमंत्री बोल रहा है, लेकिन हमने जुडिशरी कमेटी मांगा। बिल्कुल, तो जुडिशरी कमेटी के सामने वो बता दे हमने इतना दे दिया जी, तो हमको क्या मिला, जुडिशरी कमेटी अपना आप जांच करके निकालेंगे, अधिकारी को कितना मिला उनको भी पता चलेंगे। तो यही हमारा एक सिंबल मांग है, वो सिंबल मांग हमारा पूरा करने के लिए सरकार तैयार नहीं है, सरकार भी कुछ ना कुछ किया हुआ है उसको वजह से तैयार नहीं हो रहा है, तो हम लोग मजबूरन रेल रोको आंदोलन में जाना पड़ रहा है। तो फिर आप अपना एक संदेश में बताइए जो मैं अपना संदेश बताना चाह रही हूँ, मोदी के बाप का हक नहीं मांग रहे हम लोग, हमारा हक है और हमारा ही पैसा है, एक माचिस की सीख भी ले, माचिस की डब्बी लेते उस पर भी टैक्स लगता है, उस टैक्स में तुम्हारी जो भी सैनिक भाई हैं जो भी है सरकार देती है तो उसमें से देती है, $1 का 1 रुपया होया करता था, ऐसी क्या सरकार की मजबूरी है, ऐसी क्या हमारी गवर्नमेंट की मजबूरी है ताकि उस डॉलर के बदौलत 1 रुपये के बदौलत उनको इतना पैसा देना पड़ रहा। हमारा देश का पैसा हमारे देश में रहना चाहिए, हमारे सैनिकों के बीच में रहना चाहिए, उनके बच्चे पढ़ने चाहिए, उनकी सेवा के अंदर लगना चाहिए, ऐसा क्या दुर्भाग्य हो गया, हमने इतने दिन से 273 दिन से भी ऊपर हो गए हैं, हमने धरने के ऊपर हम बैठे हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है, सरकार को जागना पड़ेगा, हम जगा के रहेंगे, जहां पे भी नारी की बात आई है, नारी की शक्ति जहां पे भी खड़ी हुई है तो हमेशा जीत हुई है, जीत दिला के रहेंगे सैनिकों भाइयों को, चाहे कुछ भी हो, चाहे हमने अपनी जान भी देनी पड़े लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। तो मैं ये संदेश दूंगी, जो भी मेरी माता बहने मेरी बात सुन रही हो, जैसे मैं हूँ, जैसे विडो औरत भी है, तो 25 तारीख को कृपा करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, उनके बच्चों की दुआएं करती हूँ, उस दिन 25 तारीख को दिल्ली जंतर मंतर पर जरूर से जरूर पूछे, नई दिल्ली सवेरे रेलवे स्टेशन के साथ है और 8 बजे का टाइम है, और ज्यादा से ज्यादा पूछे, ये संदेश मैं देना चाहती हूँ और मोदी को बताना चाहती हूँ, हम पीछे नहीं हटेंगे जो कुछ भी हो जाए, और बेपक्ष खड़ा होने लग रहा है, ये नहीं सोच रहा है भाई बेपक्ष इस सरकार के खिलाफ खड़ा होने लग रहा है, कदे मोदी जी जाने मेरे बेपक्ष में कोई खड़ा नहीं हो रहा, बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा इस बात का, आने वाला समय में इसको पैर धरने को भी जगह नहीं मिलेगी, इंडिया के अंदर बाहरे भागना पड़ेगा मोदी जी को, अगर मेरी आवाज वहां तक पहुंचे तो मोदी कान खोल के सुन लो, सैनिकों को ऐसा है वो दे देना चाहिए, जो उनकी मांग है उनकी पूरी करनी चाहिए, यही है मैसेज जो देश भर के पूर्व सैनिक आप लोगों ने मैसेज सुन लिया है, हमने सैनिक के देश की सेवा करता है, सैनिक के लड़ता है और सैनिक के आगे रहता हर चीज में, और सैनिकों को धरने पर बढ़ा दिया, सैनिकों को क्या एक आंगनबाड़ी वाली कर्मचारी जो भी है बेचारे सभी धरने पर बैठे हैं, किसान है कहीं पर भी लगा लो, या क्या हो गया जनता को रोड पर ही लिया की छोड़ दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए, इसकी आंख खुलनी चाहिए, बाजीगर वाला खेल बंद कर दे, इडू मुंडू भी हम बाजने नहीं देंगे, इडू मुंडू को हम फोड़ के रहेंगे। जय हिंद, जय नमस्कार, जय भारत।